गुड मॉर्निंग, हो चुका है डे टू और आज अभी हम जा रहे हैं दीघा मोहना में घूमने के लिए। अगर आपने डे वन का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, फिर इस वाला पार्ट को देखिए। तो बने रहिए साथ में और देखते रहिए आज का जर्नी। महामारी कर भाई हम लोग का न्यूली मैरिड कपल फाइट कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। फाइट करना जरूरी है। टो 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 फाइट करने से सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना, ठंडी ठंडी। फाइनली न्यू दीघा से मोहना पहुंच चुके हैं। सूखा मच्छी का बहुत ज्यादा स्मेल है यहाँ पे, थोड़ा क्राउड भी है, ज्यादा नहीं। तो फिलहाल आ चुके हैं इस एरिया का सबसे बड़े फिश मार्केट में। समुंदर से फ्रेश फिश है यहाँ पे पकड़ के लाते हैं और फिर चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा है क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा आ रहा है ना चारों साइड से, पानी बहुत है हर जगह में। बहुत ही ज़्यादा पानी पानी है हर साइड में और स्मेल भी बहुत ज़्यादा है फिश का, इसलिए हम लोग अभी बस मार्केट थोड़ा सा देख के बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजी है और हम लोग बीच में कैमरा लेके घुस रहे हैं तो उन्हें भी तकलीफ होता है। এটা লবস্টার মনে হয়। এই হ্যাঁ লবস্টার, বাট এত ছোট ছোট বয়সে লবস্টার গুলো তুলে নিয়েছে। হ্যাঁ ছোট লবস্টার। फिशेस का स्टॉल, हर टाइप का ड्राई फिशेस। হ্যাঁ কতক্ষণ বলেছ? না একটু বেশি চার্জ হবে রকম দিয়ে দিবি 20 টাকা। হ্যালো পাবলা চা পাবলা চা।
মিশছে এইটা কি মিশছে নদী নাকি না থাকলে দেখতে পাওয়া যেত না ওরা কি অরিজিনালটা তুমি দিচ্ছে একটু চিনি ফিনি মিশিয়ে জল ফল মিশিয়ে দেবে আপনি কুছ ভি নেই বোলা ইস ব্লগ মে क्या बोलूँ एंजॉय कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है समुंदर मुझे बहुत पहले से ही पसंद है तो समुंदर में आके और भी ज़्यादा यू नो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है संभव है भिज भी और যা যা জল ভাসছে ভিজবি উঠে 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 ওই দিক এদিক হ্যাঁ চলে ঠিক আছে একটু ভিজেছে ওর ওইদিকে দেখ পাথরে কিরম अभी तक हम लोगों का फोटो सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है जितना ही फोटो क्लिक कर रहे हैं उतना ही लग रहा है और ज्यादा क्लिक नहीं जितने जितने धूप निकल रहा है ना फोटो और भी अच्छा आ रहा है तो देखो क्या सुपर सीन है यहाँ पे तो मज़ा आ रहा है पर अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और अभी जाके होटल में वापस जाके थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे ब्रेकफास्ट करके और ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर बीच में जाएंगे समुंदर में नहाने के लिए और बस पूरा दिन का जर्नी देखते रहिए ये साइड में है नदी जो आके समुंदर में मिल रहा है इसको हम लोग मोहना कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है बंगाली में तो मोहना बोलते हैं और इस साइड में है संगम बोलते हैं हिंदी संगम हाँ समुंदर तो चलो चलते हैं यहाँ से बोले कौन नाम अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा खाने का मन कर रहे अंडा टोस्ट तो पहुंच चुके हैं एक छोटा सा टपरी में और करेंगे नाश्ता विद अंडा टोस्ट अभी अच्छा खासा धूप निकल चुका है और थोड़ा गर्मी भी फील हो रहा है तो अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल के तरफ अभी फ़िलहाल चलते चलते बोल के तीन बार हो गया पर हम लोग नहीं जा पा रहे काकड़ा क्रैब जा बेटी का जा 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 ধরতে ভয় পাচ্ছে তো তুমি ধরতেই পারছো ছেড়ে দে চ फाइनली सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अभी हम लोग जा रहे हैं तालसारी तालसारी जो एरिया है वो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि एकदम बॉर्डर है क्योंकि ये दीघा भी बिल्कुल बॉर्डर में है ओडिशा और वेस्ट बंगाल का तो हम लोग अभी तालसारी में जाएंगे वहाँ पे एक टेम्पल है टेम्पल में भी विजिट करेंगे फिर उसके बाद आगे आगे जाते रहेंगे
বক্তব্য কিছু না, খুব সুন্দর লাগছে, ঘুরতে ভালো লাগছে। সরি বাংলায় বলছি যাতে সবাই বুঝতে পারে, সেই জন্য ব্লগটা হিন্দি ছাড়া বাংলায় বেশি হবে। আমরা বাঙালি ফেমাস জায়গাগুলো দিই একদম, এটা বাঙালির গোয়া। আরে বাঙালির গোয়া, কিন্তু আমরা পুরো অল ইন্ডিয়াকে ইন্সপায়ার করছি দীঘা আসার জন্য, নয় এক্স্যাক্টলি। তো ফিলহাল এ ওড়িশা কা বর্ডার কে অন্দর থোড়া আতেই, 5 কিলোমিটার অন্দর আতেই ইয়াহাঁ পে এক বহুত ফেমাস টেম্পল হ্যায়, চন্দনেশ্বর টেম্পল। তো উসমেই থোড়া হামলোগ ভিজিট করেঙ্গে অর উসকে বাদ আগে যায়েঙ্গে। চন্দনেশ্বর টেম্পল মে এন্ট্রি করতেই আগার আপ এক আদমি হো ইয়া পুরা গ্রুপ মে হো, আপকো 50 রুপিস কা এক টোকেন লেনা পড়েগা, উসমে আপ অন্দর যাকে দর্শন করকে প্রসাদ মিলেগা আপকো, অর লেকে আপ ঘুমকে অচ্ছে সে দেখকে যা সকতে হো। জাস্ট অন্দর যাকে হাম লোগোনে দর্শন কিয়া, থোড়া ব্লেসিংস লিয়া। আবি ইয়াহাঁ পে এক তালাব হোতা হ্যায় হর টেম্পল মে, ওহি পে যাকে থোড়া হাত ভাত ধোকে নিকল যায়েঙ্গে। তো হমে প্রসাদ ভি মিল গিয়া, আবি হাম লোগ যা রে তালসারি। ওহো ফাইনালি হাম লোক বহুত হি সুপার জগহ হ্যায় ইয়াহাঁ পে। তো হোয়াট আ ভিউ, আপকো ভিউ দিখাউঙ্গা, ওয়েট ফর দ্য ভিউ। আর ইউ রেডি? ইয়াহাঁ পে আপ বোটিং কর সকতে হো, মতলব এসে ওয়ালা জো বোট হ্যায়, ইস বোট মে আপকো ও আগে মে এক মতলব ক্যা বলতে হ্যায় আইল্যান্ড জেসা হ্যায়, তো ওহাঁ তক লেকে যাতা হ্যায় আপকো। অভি জো রেট বোল রহে হ্যায় এ লোক কি 100 রুপিস পার পার্সন আপ অ্যান্ড ডাউন। তো হাম লোক অভি তক ডিসাইড নেই কিয়ে যায়েঙ্গে কি নেই যায়েঙ্গে। ইয়াহাঁ পে ভি এক ছোটা সা ফটো সিজন চল রহা হ্যায়, হর কোই আপনা আপনা ইনোভেশন ইনোভেটিভ ওয়ালা পোজ দেকে ফটো লে রহা। আচ্ছা টাইটানিক পোজ করে জলে পড়ে যাবে। হাই হাই টেন্ডার কোকোনাট টাইম। ₹25 ওয়ান টেন্ডার কোকোনাট। দারুন একটু কাছাকাছি চলাই। ये जो आप घर घर जैसा देख रहे हो, इसके अंदर पान पत्ता है ना, उसका खेती होता है। और बाकी दोनों साइड में आप जो पेड़ वगैरह देख रहे हो, पेड़ पौधे, वो मैक्सिमम कैशू का ट्री है, काजू का। ये
फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उदयपुर बीच में और अभी जा रहे हैं बीच के तरफ। दीघा जो सी बीच है, न्यू दीघा सी बीच, वहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा ओडिशा बॉर्डर के तरफ। वहाँ पे आपको उदयपुर बीच मिलेगा। उदयपुर बीच मेनली फेमस आजकल है कि यहाँ पे आप आके ऐसे समुंदर में चेयर लेके बैठ सकते हो और यहाँ पे आप मतलब हाँ ड्रिंक्स कर सकते हो और फिश फ्राई जो भी है आप खा सकते हो, खाना पीना ड्रिंक्स, इसके लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो फ़िश फ्राई कल भी बहुत ढूंढ रहे थे, यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है, हम लोग तो टूट पड़ेंगे फ़िश फ्राइज पे। ये आमुदे माछ 7 पीस আছে, কাজ 200 টাকা। চলো 200। অক্টোপাস, অক্টোপাস হুয়া, চিং প্রনস হুয়া, আমুদ মাছ ফিশ হুয়া। अभी क्रैब की तरह बाद में सोचेंगे। ओके अच्छा, शू रखने का जगह ऊपर है। ओहो, वेटिंग फॉर द फिश फ्राई। सौरभ और रिया डुबकी लगाने जा रहे हैं अभी थोड़ा सा। बीच में और भी सिस्टम्स है, लाइक आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो और बीच बीच में स्कूटी चला के आप आगे तक जा सकते हो। मैंने बस कैजुअली पूछा कितना रेट है, तो उन्होंने बताया कि 30 मिनट्स के लिए 200 रुपया है एक स्कूटी का, दो जन जा सकते हो। तो शायद बार्गेनिंग करके वो रेट भी कम होता है। हाय हाय, उदयपुर बीच में आ चुका है फिश। बेटा 40 पीस अभी एकदम पानी में बैठे हैं हम लोग, थोड़ा आगे आ चुके हैं और मतलब जो लहर है ना समुंदर का सीधा पाँव में टच हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोपहर को उदयपुर बीच में खाना वाना खाने के बाद सीधा रूम पे जाके और लंच करके सो गए थे 1.5 घंटे के लिए पावर नैप लेने के लिए। और अभी पावर नैप लेने के बाद निकल के थोड़ा, अभी आज ओल्ड दीघा नहीं जाएंगे, आज न्यू दीघा का ही जो मार्केट है, सी बीच है, यहीं पे हॉपिंग करेंगे क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है, कल सुबह बस है यहाँ से वापस जाने का। तो बस यहीं पर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और रात को होटल में ही खाना खाएंगे। तो इवनिंग का फास्ट फूड स्टार्टिंग फूड विद क्यूक्यूम्बर। सुबह हमने इतने सारे फिशेस खाए कि अभी उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्यूक्यूम्बर चाहिए। लोकल पॉलिसी, क्यूक्यूम्बर से हम लोगों का डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर से हम लोग खाएंगे। कौन गुलो किने नाओ पिकाचू। लेमन सोडा কত গো কত করে 20 টাকা করে ও সোডা খাও নিচে দাও টাকাটা দিন তোমার এখন হাত ধরার জায়গা নেই। स्ट्रॉ उड़े उड़े चले जाए मुखर का आसें भलो। दीघा में एक बहुत चीज़ मतलब स्पेशलिटी है,
हम लोग बचपन में भी जब भी आए हैं यहाँ पे, जो की का रिंग है ना उसमें हम लोग नाम लिखाते हैं, तो ये ऐसे शॉप आपको हर जगह में मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप का की रिंग आप चूज़ कीजिए, उसके ऊपर आप नाम लिखवाइए और लेके जाइए एज ए सोवेनियर कुछ भी। जैसे दीप ने लिखवाया है, दीप सुचंद्रा। কত করে হচ্ছে চিকেন? এই কি চিকেন? চিকেন টিক্কা 50 টাকা করে যেটা নিবেন। আলি আলি আছে, মালাই আছে, রেশমি আছে, মশলা আছে, লেগ 100 আছে, 120 টাকা আছে। এরকম টিক্কা খাবি তো নাকি? কত করে আছে? 5 টাকা করে আছে, 5 পিস করে আছে। আর একটা গুজে দাও, দুটো নিন। বলা মশলা দেবো না, রেশমি দেবো। একটা এটা একটা এটা लूटो लूटो चिकन सिक कबाब। नाइस, टेंडर एंड सॉफ्ट, अच्छा बनाए। तो आज का शाम भी न्यू दीघा बीच में अच्छे से घूम लिया, फिर लिया, खाना वाना भी खा लिया। अभी जा रहे हैं रूम के तरफ, डिनर रूम पे ही होगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।